ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी के सदर सैयद अहमद हुसैन शतारी और पार्टी की दिगर अराकीन ने TSCM के सियासी 2018 के इंतखाबात से पहले किए गए तमाम वादों को पूरा करने का मुतालबा किया है, क्योंकि गुज़िश्ता 8 सालों से अकलियत और मुसलमानों को तमाम हुकूमतों को स्कीम रोकने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना है। उन्होंने CM के सियासी वफ माफिया से वफ इमलाक के तहफ़ के लिए वफ कमिश्नरेट बनाने की अपील की है। मैं सैयद शाह अहमद हुसैन शतारी सदर आल इंडिया मजलिस इंकलाब मिल्लत हैदराबाद की आवाम डिवीज़न तेलंगाना के उन असाब से मुखातिब हूँ जो धोखा खाने के आदी हैं। KCR साहब 8 साल से बरसर इख्तदार है और जो तहरीक तेलंगाना में उन्होंने हमसे वादा किया था, मुसलमानों से वादा किया था हम उनके शामा बशामा काम करते रहे, लेकिन उन्होंने अपने वादे पे कायम नहीं रहा। ना वो जो मुसलमानों की गुर्बत दूर करने के लिए हम उनसे कहे थे कि वक्त गोद को आप जुडिशियल पावर दे दें, तो उन्होंने मुस्कुरा के नहीं बल्कि हिम्मत के साथ कहा कि मैं 4 महीने में दे पा रहा। उन्होंने कोई जो है जुडिशियल पावर नहीं दिया और उसके बाद उन लोगों के साथ हो गए जो तेलंगाना के मुखालिफ थे और उनको गोद में बिठाया, और सबसे बड़ी उनकी गलती है वो जिंदा रहने के लिए आवाम को जो है नुकसान पहुंचाते रहे। अब आज जो है अपना चोला बदले हैं और उसके बाद BRS का जिक्र कर रहे हैं। आप BRS से क्या करते हैं जबकि आवाम ही मुतमईन नहीं है, और हमारा जो मतलब हमारा 12% क्या करेगा? आप तो जो है 12% और बजाय उसके आप 3% कर दिए। अब माइनॉरिटीज़ का जो है 7 साल से माइनॉरिटीज़ के लिए जो है आपको अमोल का जो डिक्लेयर करना था वो जो आप जो 50 लाख करोड़ का ऐलान हुआ, फिर 20 करोड़ का ऐलान हुआ, और उसके जवाब में जो लोग दरख्वास्तें दाखिल कर रहे हैं 2,30,000 दरख्वास्तें, फी आदमी पे 30,000 का खर्चा हुआ है, आप तो जो पैसे नहीं दिए, और अभी तक ये तेला है कि 1 रुपया आप सेंक्शन नहीं कर रहे हैं। और मौजूदा जो है माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं वो दिलासा दे रहे हैं कि अमाउंट आ जाएंगी, ये दिलासे और ये उम्मीदें कब तक? मैं हैदराबाद के उन आवाम से जो हक़ है और वो नौजवान जो दूसरों की क़ियादत पे भरोसा कर रहे हैं वो छोड़िए, अल्लाह पे यकीन कीजिए और मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। यकीनन हम जो है जद्दोजहद करके अपना हक़ हासिल करेंगे। मैं सरदार जी हासिल कर रहे हैं, SC हासिल कर रहे हैं, और मुसलमान क्यों नहीं हासिल कर रहे? और रोना ये है कि हमारी क़ियादत हमारा साथ नहीं दे रही है। अरे क़ियादत तो जो है अंधों की है, क़ियादत अंधों की क़ियादत है और बेवाओं की क़ियादत है। आप क्या समझ रहे हैं? क़ियादत पे आप जो है भरोसा मत कीजिए, बल्कि एक शेर सुनाता हूँ, यार अपना है तो अपनी सारी कायनात, सबको अपना करने वाले उसको अपना करके देख। ना माइनॉरिटीज के चेयरमैन पर भरोसा कीजिए, ना वोट के चेयरमैन पर भरोसा कीजिए, बजाय इसके जो है आप जो बताइए, लोग गरीब लोग लैंड में खड़े रहते 2,30,000, आप वेल्थ पे जारी कीजिए और कितने को लाख आपको आमदनी हो गई है अभी आपकी तकसीम भी नहीं करें, इतने रुपये वसूल कर लिए, ये जो है धोखा है। अरे भाई आवाम को जो है इससे बढ़ के भी और कोई ऐसे ख़राब हालात पैदा नहीं होते हैं। तारीख का जरूरी भाव है, आने वाली हुकूमतें बताएंगी और हम इंशाल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन में इनके इस अमल के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे, और अल्लाह से उम्मीद है कि हम जालिमों को हमारे मुकाबले में जो है नाकाम करा देंगे। खुदा।